सो गाइज, आज मैं आपको ऐसी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से लाइव टीवी देख सकते हो। टीवी शोज कैसे देखने हैं इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, अब लाइव टीवी कैसे देखना है इस पर मैं वीडियो ला रहा हूँ, और ऑफिशियल तरीके से कैसे देखना है ये मैंने आपको बताया है, और जो अनऑफिशियल ऐप्स होती हैं टीवी की उनकी मैंने आपको सच्चाई भी बताई है। कुल मिलाकर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लाइव टीवी देखने के लिए यहाँ पर हम अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो मैं लिटरली आपको बताऊँ, रियली बताऊँ तो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर फाइंड की, तरह तरह की एप्लीकेशंस मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल की। मुझे जो है एक ही चीज़ देखने को मिली कि वो एप्लीकेशंस पहले वर्क करती थी, उसके बाद वो एप्लीकेशंस वर्क नहीं करती हैं। उनमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस अभी भी प्ले स्टोर पर हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से निकाल दिया गया है गूगल के द्वारा। तो इसीलिए मैं आपको जो है किसी प्रकार के अनऑफिशियल टीवी ऐप, चाहे वो शो वॉच करने के लिए हो या लाइव टीवी वॉच करने के लिए हो, नहीं बताता हूँ। पॉकेट टीवी है ना, रैबिट टीवी, मुस्कान टीवी भी आ गया है भैया आजकल, तो कौन सा मुस्कान टीवी चल रहा है, जैसे थॉप टीवी, देखो थॉप टीवी के ओनर का क्या हुआ, ओरियो टीवी, तो ये सब जो ऐप्स है ना, मैं आपको एक बात सच्चाई बताता हूँ, सिर्फ एक निर्धारित समय तक ही चलती हैं। जब किसी भी बड़ी कंपनी को पता चला तो उन्होंने वो एप्लीकेशंस बैन करा देनी है। अगर वो प्ले स्टोर पर भी आती हैं तो वो प्ले स्टोर से हटा दी जाती हैं बहुत ही जल्दी। तो मैं ये सोचता हूँ, जो मैंने आपको तरीका बताया था शोज वॉच करने का, वो ऑफिशियल तरीके से था। क्रोम पे जो है आप ऑफिशियल Z5 की वेबसाइट पर, सोनी लाइव की वेबसाइट पर ऑफिशियल तरीके से शो देख रहे हो फ्री में। तो अब लाइव टीवी भी जो देखना मैं आपको बताऊँगा वो ऑफिशियल तरीके से ही बताऊँगा, और ऐसी एप्लीकेशन जो होती हैं अनऑफिशियल उनको आपको कभी भी यूज़ करना नहीं चाहिए। तो हम जो है लाइव टीवी देखने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रेकमेंड करेंगे, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो आप एयरटेल एक्सट्रीम या एयरटेल टीवी नामक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें। ये एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, आपको जौन सा भी चैनल देखना है हर एक एप्लीकेशन में सर्च का बटन दिया गया है। एप्लीकेशन आपको खोलनी है, टॉप राइट कॉर्नर में आपको हर एक ऐप में सर्च का बटन देखने को मिलेगा, सर्च करो अपना चैनल और मिडल स्क्रीन में फिंगर रख दो, आपका चैनल और HD लिखा हुआ आ जाएगा। आपका जौन सा भी चैनल है आप उसको एक क्लिक में सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। अब क्या मुश्किल है इसमें, अगर आपको एप्लीकेशंस इनएक्सेसिबल, मैं खुद मानता हूँ ये एप्लीकेशंस इनएक्सेसिबल हैं, लेकिन हमको जो चैनल देखना है बस उसी चैनल से हमको काम है, और हमको कुछ भी एक्सप्लोर करना ही नहीं है। अगर आप वोडाफोन आइडिया का सिम यूज़ करते हो तो आपको वोडाफोन TV या वी मूवीज एंड TV का यूज़ करना है, आपको उसमें भी डायरेक्ट सर्च का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना शो यहाँ पर या TV वॉच कर सकते हो। और ये सब एप्लीकेशंस बल्कि और स्पेशल है क्योंकि आप जो अनलिमिटेड रिचार्ज कराते हो उन एप्लीकेशंस में भी आपको ऑफर देखने को मिलते हैं, जैसे कि वी मूवीज एंड TV में अगर आप यूज़ करते हो, TV शोज देखते हो, लाइव TV देखते हो, अगर आप 400 का रिचार्ज कराते हो 399 वाला, तो आपको यहाँ पर TV शोज को देखने का मौका मिलता है। और मेरे में तो ऐसा है कि मैं Z5 मेरे को ले जाएगा Z5 में, वो मान लीजिए मैं कोई शो सर्च करूँगा मेरे को Z5 में ले जाएगा, तो मैं एक दिन पहले भी देख सकता हूँ, यानी कि मान लीजिए आज कोई शो है वो आज आने वाला तो मैं उसको कल देख सकता हूँ, ये मुझे मिल रखा है मेरे 399 के पैक में। तो ये एप्लीकेशन जो आपको फ़ायदा भी देती हैं और फ्री में आप लाइव TV या शोज देख सकते हो। अब अगर आप जियो यूज़र हो तो आप जानते ही हो कि आप जियो TV का इस्तेमाल कर सकते हो। जियो TV से बेहतर एप्लीकेशन मुझे तो कोई भी नहीं लगती, बस उसमें एक यही दिक्कत है कि वो सिर्फ जियो यूज़र्स के लिए चलती है। अगर वो सभी के लिए होती ना तो मैं आपको सिर्फ वही एप्लीकेशन रेकमेंड करता, उसमें इतना तो एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं है, एक्सेसिबिलिटी का इशू है बट इतना नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है। अब भैया हम उन लोगों की भी बात करेंगे जो लोग इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करते, जियो, एयरटेल, वोडा, कुछ भी, उनके पास या तो वाईफाई या वो BSNL यूज़ करते हैं। तो उनका एक सिंपल सा ये है तरीका कि आपके फ्रेंड्स सर्कल में या घर में आसपास किसी ना किसी के पास तो इन तीनों में से कोई ना कोई सिम तो होगी ही, ऐसा तो, या आपके पास कोई कीपैड फोन उसमें तो होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके आसपास लोग हों, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके पास ही इन तीनों में से एक भी सिम ना हो। बस आपको किसी से भी सिम लेनी है, नंबर डालना है उनका और उनसे OTP पूछकर वेरीफाई करना है, बस आप अपना जो है लाइव TV देख सकते हो, लेकिन फुल फीचर आप नहीं देख सकते, है ना, यानी कि जो फ़ायदे उनको मिलेंगे, मान लीजिए उन्होंने रिचार्ज ही अगर वो सस्ता करा रखा है
तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिर्फ लाइव टीवी ही आप देख सकते हो। अगर उन्होंने महंगा भी रिचार्ज कराया तो फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो आपके फ़ोन में वो सिम होनी ही चाहिए, लेकिन हाँ आप लाइव टीवी ज़रूर देख सकते हो। तो सिंपली आपको जो है किसी का भी नंबर डालना है, वहाँ पर OTP वेरीफाई करके आप ऐप को खोल सकते हो, बस आपका काम बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं। आप बोलते हो कि भाई बोल तो रहे इतना आसान है, तो मैं आपको अब खुद यहाँ पर दिखाता हूँ कितनी आसान है ये चीज़। तो मेरे पास जो है वी का सिम है, तो मैंने जो है वी मूवीज़ एंड टीवी को डाउनलोड कर रखा है। तो मैं जो है ओपन करके दिखाता हूँ और देखिएगा कितनी जल्दी मैं यहाँ पर अपना चैनल प्ले कर लूँगा, कितनी आसान तरीके से। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इनएक्सेसिबल है, बट मैं आपको तरीका बताऊँगा। बाकी आपको मैं हाईली यहाँ पर स्ट्रांगली रेकमेंड, हाईली क्या होता है यार, स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसी एप्लीकेशंस का बिल्कुल भी यूज़ ना करें जो अनऑफिशियल है। तो मैं चलता हूँ वी मूवीज़ एंड टीवी में। आपका जिस भी तरह का सिम है उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, और सबका इंटरफेस लगभग सेम ही होता है। टॉप राइट कॉर्नर में आपको सर्च का बटन देखने को मिलता है। तो मैं तब तक चल रहा हूँ, तब तक आप लाइक कर दो अगर आपने नहीं किया है। जल्दी से लाइक का बटन आपको दबा देना है। YouTube, S5, It Studio, Mute, WhatsApp, Weather, VPN, Vocalizer, Bitrate, Vidic, Via, Five Movies and TV. ये रही हमारी ऐप, इस पे क्लिक करेंगे। गाइस जल्दी से लाइक कर दो। Five Movies and... अभी ये ऐप ओपन हो रही है। Five Movies and TV. Five Movies and... Five... Unlabeled, Interstitial. क्लोज करेंगे इसको। Five Movies and TV. S2E2. S2E1. S2E2. तो हमारी ऐप जो है ओपन हो गई। यहाँ पर मैं टीवी वाले पर क्लिक करूंगा। सभी ऐप्स में जो है आपको टैब्स भी देखने को मिलते हैं, टीवी शोज, लाइव टीवी। तो टीवी पर क्लिक करूंगा, मैं टॉप राइट कॉर्नर में जाऊंगा, सर्च का बटन मेरे को देखने को मिल गया, वो सर्च भी मिल गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, चाहे वो शो हो या लाइव टीवी। चलिए मैं लाइव टीवी एक चैनल सर्च करता हूँ। ZTV मैंने सर्च किया, मैं मिडिल स्क्रीन में फिंगर रखूंगा। ZTV 1 of 10 and list videos. ये रहा हमारा ZTV. ZTV 1 of 10. बस. ZTV HD 2 of 10. आपको या तो ZTV चलाना है, ZTV HD चलाना है, जो भी आपको चलाना है उस पे क्लिक करके आप आसानी से चला सकते हो। तो इसको जो एग्जिट कर देंगे हम। Leaving so soon? कैसे पूछ रहा है यार ये? तो देखा आपने कितनी आसानी से मैं लाइव टीवी को प्ले कर सकता हूँ। बस आपको ZTV या ZTV HD जो भी आपका चैनल है उस पर सिंपली क्लिक करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, आपका जो चैनल है वो प्ले हो जाएगा। बस आपको इसके लिए इंटरनेट थोड़ा अच्छा चाहिए, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको प्ले इसलिए नहीं करके दिखाया क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर कॉपीराइट का इशू है, कम्युनिटी गाइडलाइंस का इशू है। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप लाइव टीवी या शोज़ को एंजॉय कर सकते हो, और ये ऑफिशियल तरीका भी है और ये सही तरीका भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और ऐसी एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने से भी बचेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके जाना और सभी के साथ शेयर कर देना। सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, सभी लोग ओरियो टीवी थॉप टीवी के पीछे पड़े रहते हैं अभी भी। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, तो उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ऐसी ही हमेशा आपको काम की वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड में आप जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।